हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यामा की तरफ से आने वाली एक एडवेंचर बाइक यामा WR155 के बारे में। ये बाइक हाल ही में फिलीपींस में लॉन्च हुई है। इस बाइक के हम इंडिया लॉन्च की बातें करेंगे, देखेंगे क्या है इसकी स्पेक्स और जब ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी तो इसकी प्राइसिंग हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सब बारे में हम बातें करेंगे। तो अगर आप एडवेंचर बाइक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यामा WR155 में हमें एग्जैक्टली 155 सीसी का लिक्विड कोल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। ये सेम वही इंजन है जो कि R15 B3 में यूज किया गया है, बस यहाँ पे इसकी ट्यूनिंग में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। ये बाइक 16 PS का पावर प्रोड्यूस करती है 10,000 RPM पे और 14.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 6,500 RPM पे। सिक्स गियर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 855 mm इसकी सीट हाइट है। 245 mm का यहाँ पे हमें ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाता है। 8.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम इसलिए है क्योंकि एक एडवेंचर बाइक है, तो एडवेंचर बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम ही होती है। इसमें हमें स्पोक वाले व्हील देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में हमें हैजार्ड लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो बल्ब वाले हैं और पीछे की टेल लाइट LED की है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल है। यहाँ पे हमें काम के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी गियर पोजीशनिंग भी देख सकते हैं। ये बाइक अपनी रेंज के हिसाब से सबसे लाइट वेट एडवेंचर बाइक है। अगर मैं इसे एक्सपल्स 200 से कंपेयर करूँ तो एक्सपल्स 200 का जो वेट है वो है 154 kg और यहाँ पे ड्यूक 390 एडवेंचर का वेट है 162 kg और इस बाइक का वेट है सिर्फ 136 kg। लाइट वेट होने के कारण इस बाइक को चलाने में और भी मजा आएगा। ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में और रियर में दोनों साइड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे ड्यूल चैनल ABS का फीचर भी मिल जाता है। तो इस बाइक के की फीचर्स मैंने आपको बता दिए। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इस बाइक की प्राइसिंग हो सकती है करीब 1.5 लाख के आसपास, क्योंकि इंजन तो सेम हमें यहाँ पे यामा R15 वाला ही देखने को मिलता है। इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो यामा इस बाइक को नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च करेगा। यामा अपने कई सारे प्रोडक्ट्स नेक्स्ट ईयर इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जैसे कि अपनी एरोक्स स्कूटर और जो इनकी XSR155 बाइक है। इन दोनों के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।